हमारे वहाँ भगवान ने अवतरण किया तब तक उन्होंने भी शिक्षा गुरु से ही ली। जैसे भगवान राम के गुरु वशिष्ठ ऋषि थे, वैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनि थे। हमारी संस्कृति में गुरु का महत्व इसी श्लोक से पता चलता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु वे नमः। से प्रमाणित होता है कि हमारे परंपरा में गुरु को त्रिदेव के समकक्ष स्थान दिया गया। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम गगन सदृशम तत्वमस्य द्विलक्षणम् एकम नित्यम विमलम चलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहि सद्गुरुतम नमामि। उपरोक्त श्लोक गुरु महिमा का शास्त्रों में उल्लेख दर्शाता है। हमारे वहाँ माना जाता है कि प्रलय और निर्माण दोनों ही गुरु की गोद में पलते हैं। हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है और हमारे गुरु पूर्ण माँ होते हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व और बढ़ जाता है। गुरु हमारे मार्गदर्शक, सहायक तथा ज्ञान प्रदान करने वाले उत्तम और अखुट स्रोत है। गुरु वो है जो कठिन से कठिन परिस्थिति से निकलने में शिष्यों को मार्गदर्शन प्रदान कर उनके जीवन का गुरदर करते हैं। सिल्वी सेनी से करे सपनों को साकार, अंडर पत्थर से रचे मनचाहा आकार, माटी रखकर जांच पर खड़ा करे कुम्हार, शेष गुरु मिल जाए तो शिष्य पाए संस्कार। ऐसे आदरणीय गुरु जो हमारे जीवन में गोविंद से ज्यादा महत्व रखते हैं, ऐसे गुरुजन के चरणों में हम वंदन करते हैं। गुरु आपके उपकार का गुरु है मेरे अनमोल। इसके साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। धन्यवाद एवं शुभ।